कि आप लोग पहाड़ देख सकते हैं मुंबई का, इधर काम भी चल रहा है, सब बिल्डिंग बन रही है। टावर भी बन रहा है सब, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी कंपनी बने, सब प्लेट बनता है, इधर कपड़ों का बिकता है। मेरे ब्लॉग के द्वारा आप लोग देख सकते हैं कितना विशाल पहाड़ है। सब बाउंड्री लग रहा है काम होने के लिए। देखिए कैसे कैसे पत्थर है सब तोड़ कर निकाला जाता है जिसपी द्वारा, लोग देख सकते हैं काम करने के लिए कैसे कैसे पत्थर लोहे तोड़ा जाता है। देखिए पेड़ कैसे जुड़ा गया, कंपनी का काम कैसे होता है। देखिए जिस भी पलट गई है, जिस पे फंस गई पहाड़ के नीचे में, देखिए सब बाउंड्री है। देख सकते हैं कितना बिना पत्ता वाला पेड़ है, पत्ता नहीं लगता है। देखिए कितना मस्त है दृश्य, सब पत्थर का गट्टी भी बनता है, ऐसा घास भी जमा है पत्थर पर। देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, हवा भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोग पत्थर कैसे तोड़ के निकाल रहे पोकलैंड, ये पहाड़ है, खूबसूरत नज़ारा है ये देखने वाले लोग। इधर फिल्मी दुनिया का बंगला भी है इधर सामने, अंदर इधर सलमान खान का बंगला पड़ता है। ये देखिए कितना गड्ढा से दिखा रहे हैं बिल्डिंग, कितना खतरनाक है। देखिए कितना ही बड़ा बिल्डिंग बन जाए लेकिन बम्बई पहाड़ से ऊँचा नहीं बन सकती है। ये 60 माला का बिल्डिंग है, मेरे ब्लॉग के द्वारा आप लोग देख सकते हैं, सब बाउंड्री मारा गया है। देखिए कैसे पत्थर तोड़ा जाता है जिस भी मशीन से, महाराष्ट्र सरकार द्वारा काम होता है। देख सकते हैं कितना मजबूत पत्थर है, इसको तोड़ के बिल्डिंग बनाया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए पेड़ जुड़ा गया है कैसे, कितना खूबसूरत नज़ारा है, हवा भी चल रहा है। देखिए आप लोग कैसे जिस भी को है, पोकलैंड बोलते हैं इसको, कितना गड्ढा तक ये पहाड़ तोड़ा है सब बिना मशीन के। भारत में चाहे बम्बई में अब काम नहीं हो सकता है, मजदूरा कितना काम कर पाएगा। मेरे ब्लॉग के द्वारा आप लोग देखिए कितना, चारों तरफ अभी ज़मीन ही है बिल्डिंग महाराष्ट्र सरकार में। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, हवा भी चल रहा है खूब मस्त, कि पत्थर कैसे तोड़ा जाता है। ब्लॉग के द्वारा देखिए इसे तो ब्लॉग बना के आप लोग दिखाता रहूँगा। ये मंदिर है देखिए सामने, मंदिर भी दिखाई देगा बाजू में पहाड़ पर, माथेराम पहाड़ है, बहुत खूबसूरत है बम्बई में।
यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। इसका फीट कम से कम कई मीटर हाइट है, बहुत कम होगा तभी 100 मीटर से कम नहीं होगा। घास पास सूख गया है सब। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे ब्लॉग के द्वारा आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। सबको नमस्कार।